स्वागत है आपका टुडे करंट अफेयर्स में। शुरू करते हैं आज का प्रश्न। भारत में राष्ट्रीय विज्ञान दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? ए 11 मई, बी 12 मार्च, सी 28 फरवरी, डी 26 जनवरी। आंसर सी 28 फरवरी। एक्सप्लेनेशन, हर साल 28 फरवरी को भारत राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाता है। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस NSD हर वर्ष 28 फरवरी 1928 को सर चंद्रशेखर वेंकट रमन द्वारा रमन प्रभाव की खोज के उपलक्ष्य में मनाया जाता है, जिसके लिए उन्हें 1930 में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। पहला राष्ट्रीय विज्ञान दिवस 1987 में मनाया गया था। रमन प्रभाव ये बताता है कि जब प्रकाश किरण अणुओं द्वारा विक्षेपित होती है तो प्रकाश की तरंग दैर्ध्य में परिवर्तन होता है। अगला प्रश्न, भारत का नया लोकपाल किसे नियुक्त किया गया है? ए न्यायमूर्ति लिंगप्पा नारायण स्वामी, बी न्यायमूर्ति AM खानविलकर, सी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, डी सुशील चंद्रा। आंसर बी न्यायमूर्ति AM खानविलकर। एक्सप्लेनेशन, सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जस्टिस AM खानविलकर को देश का नया लोकपाल नियुक्त किया गया है। गौरतलब है कि भ्रष्टाचार पर नकेल कसने के लिए लोकपाल गठित किया गया था। अगला प्रश्न, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस राज्य के द्वारका में 4150 करोड़ रुपए से अधिक विकास परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण किया है? ए गुजरात, बी केरल, सी पंजाब, डी महाराष्ट्र। आंसर ए गुजरात। एक्सप्लेनेशन, प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने गुजरात के द्वारका में 4150 करोड़ रुपए से अधिक की कई विकास परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण किया। उन्होंने राष्ट्रीय राजमार्ग 927 के धोराजी जामकंडोरना कलावार खंड के चौड़ीकरण, जामनगर में क्षेत्रीय विज्ञान केंद्र और सिक्का थर्मल पावर स्टेशन में फ्लू गैस डिसल्फराइजेशन FGD प्रणाली की स्थापना की आधारशिला रखी है। अगला प्रश्न, कोलंबिया की सरकार ने किस महासागर में 316 साल पहले डूबे एक जहाज का मलबा निकालने की घोषणा की है? ए अरब सागर, बी प्रशांत महासागर, सी आर्कटिक सागर, डी अटलांटिक महासागर। आंसर डी अटलांटिक महासागर। एक्सप्लेनेशन, कोलंबिया की सरकार ने हाल ही में अटलांटिक महासागर में 316 साल पहले डूबे एक जहाज का मलबा निकालने की घोषणा की है। यह एक स्पेन का जहाज है। इसका नाम सैन होजे है। बताया जाता है कि इस जहाज के मलबे के साथ 1.66 लाख करोड़ रुपए मूल्य का करीब 200 टन खजाना भी दफन है। अगला प्रश्न, भारत और किस देश के बीच संयुक्त अभ्यास धर्म गार्जियन का हाल ही में राजस्थान में शुभारंभ किया गया है? ए थाईलैंड, बी जापान, सी ऑस्ट्रेलिया, डी मालदीव। आंसर बी जापान। एक्सप्लेनेशन, भारतीय सेना और जापान ग्राउंड सेल्फ डिफेंस फोर्स के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास धर्म गार्जियन का 5वां संस्करण आज राजस्थान के महाजन फील्ड फायरिंग रेंज में शुरू हुआ। इस अभ्यास का आयोजन 25 फरवरी से 9 मार्च 2024 तक किया जा रहा है।